What are your views on the incident of Paras Gaming video where he was being racist and said some very unforgivable statements? Yeah, देखो अंशुमन, first of all मैंने ये चीज देखी नहीं थी पहले. I think ये कब हुआ है? कल परसों हुआ शायद, right? क्योंकि कल भी कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे तो मुझे आइडिया नहीं था. अभी मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, बट थोड़ी बहुत ऐसी कुछ चीज़ें समझ में आई है कि उसमें कुछ बोला है. आई थिंक अरुणाचल प्रदेश पे कुछ उसने कमेंट किया है, राइट, है ना, वहाँ के लोगों पे कमेंट किया है. सो देखो यार, रेसिज्म एक ऐसी चीज़ है कि तुम भाई इसको मतलब नहीं करनी चाहिए बस ये सब चीज़ें यार, ये अच्छी नहीं होती है. और ऊपर से आप एक ही कंट्री में रहते हो और एक ही कंट्री के लोगों को आप ऐसी चीज़ें बोल रहे हो तो जाहिर सी बात है पब्लिक तो थोड़ा सा गुस्सा होगी. थोड़ा नहीं, मेरे ख्याल से ज़्यादा ही हो गई उस पर तो. एंड अगर उसे अपने गलती पे वो है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, पश्चाताप है, ठीक है. अगर नहीं है तो भाई फिर तो क्या बोल सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकते. लड़का का, पारस का जो हमारा खिलाफ वो बोल रहे हैं वो ठीक है, इफ इट्स एन इंडिविजुअल लेवल आई डोंट माइंड, मैं बुरा नहीं मानता. लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने पूरा अरुणाचल को उन्होंने लिखा, हमको चिंकी आइस कहते हैं, हमको चिंकी बोलते हैं, हमको चीनी कहते हैं, ये एक बहुत गलत मैसेज गया हुआ है थ्रू आउट द कंट्री. मैं जानता हूँ चाहे वो तमिलनाडु में हो, चाहे केरल में हो, चाहे वो कर्नाटक में हो, दिल्ली में हो, चंडीगढ़ में हो, पूरा जो सिर्फ पूरा भारतवर्ष में नहीं बल्कि विश्व में हमारे बच्चे सब बाहर भी पढ़ते हैं. और हम जब जाते हैं हम कहते हैं कि हम भारतीय हैं और हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं. और इसमें जब आप जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि ये चीन का, चीन जैसा लगते हैं, भारतीय जैसे भी नहीं दिखते हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा यहाँ मैरी कॉम है, अभी लॉन्च करने वाले हैं बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया बोल के, तो इसके खिलाफ मैंने प्रधानमंत्री को लिखा था चिट्ठी. वो इसलिए लिखा था क्योंकि इसमें जो क्राफ्टन है ये एक कोरियन कंपनी है, ठीक है, और जो टेंसेंट जो है ये इट वॉज चाइनीज कंपनी. और ये चाइनीज कंपनी जो है ये पहले भी पबजी को इसको चलाया था. ये इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ खासतौर अरुणाचल प्रदेश में और जो पूर्वोत्तर राज्यों के जो बच्चे हैं वो बहुत ही सिंपल हैं, वो बहुत ही नादान हैं, तो उनका इसका क्या इफ़ेक्ट होता उनको पता नहीं है. जैसे पहले ब्लू व्हेल को बैन किया गया था, वैसे जितने भी 69 ऐप्स जो मैंने पहले भी प्रधानमंत्री को लिखा था, तो इसमें यही बात थी कि मैं इसको एक रिक्वेस्ट है, गुंजाइश है कि यहाँ अरुणाचल प्रदेश में यहाँ के बच्चों को जो पबजी का जो ये गेम है ये उन लोगों को डाइवर्ट कर देते हैं, एडिक्टेड कर देते हैं. और इट इज़ जस्ट लाइक अ ड्रग, एक बार आप एडिक्टेड होने के बाद रात भर नहीं सोते हैं, पढ़ाई भूल जाते हैं. तो इसलिए हम इसका खिलाफ है और हम